हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द प्रशिता शो। आज बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे वैक्सीन करवाना कितना सेफ है। एक्चुअली प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जब आप कुछ भी करने से पहले एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है, क्या ये मेरे लिए सेफ है, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सेफ है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हमने पूरे पूरे वीडियोस आपके लिए दिए हुए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको वैक्सीन कराना कितना सेफ है, अगर आप वैक्सीन करवा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो इससे पहले एक वीडियो हमने किया है हेयर रिमूवल क्रीम के लिए। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, कुछ चीज़ों को आप काफ़ी एंजॉय करते हैं, जैसे आपका प्रेगनेंसी का ग्लो, आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपके नेल्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपके बाल आपको काफ़ी थिक लगते हैं, काफ़ी शाइनी लगते हैं। तो ये चीज़ें जिनको आप एंजॉय करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। उसमें ये होता है कि बॉडी पे कुछ अनवांटेड एरियाज़ पे बाल हो जाते हैं, जैसे आपके पेट पे, आपके आर्मपिट पे, आपके चिन पे, आपके अपर लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा बाल हो जाते हैं। अब ये जो बाल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि आपको किसी तरीके से हार्म नहीं करते हैं, बट क्योंकि हम हमेशा थोड़े से अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं, थोड़े से अच्छे लगना चाहते हैं, तो ये बालों को हमें हटाना होता है। और जैसे अपर लिप्स एरिया पे आपको लगता है कि ये रिमूव होने चाहिए, या आपके बॉडी पे कहीं भी जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है और वो परेशान कर रही है, तो डेफिनेटली हेयर को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। अब आज हम वैक्सिंग की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बात करी है हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में, और इससे पहले का एक वीडियो है, अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वैक्सिंग के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। तो वैक्सीन कराना कितना सेफ़ है इसके बारे में बात करते हैं। तो वैक्सीन डेफिनेटली प्रेगनेंसी में सेफ होता है, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम पे आपके जो बाल हैं उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, थिक हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि आपको पेन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। मतलब आपकी प्रेगनेंसी से पहले जब आप वैक्सीन कराते थे और जब आप प्रेगनेंसी में करा रहे हो, तो वो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो प्रेगनेंसी टाइम पे आपको पेन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि स्किन आपकी प्रेगनेंसी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि ब्लड का फ्लो अंदर काफ़ी बढ़ जाता है, तो स्किन सेंसिटिव होने की वजह से भी पेन आपको हो सकता है। अब जब भी आप वैक्सीन करवा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप घर पे करा रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, एक तो आप अपने आप से ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम पर आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, बेटर है जितनी चीज़ों के लिए आप हेल्प ले सकते हैं आप हेल्प ले लीजिए। पहले प्रेगनेंसी टाइम से पहले हो सकता है आप खुद से कर लेते थे, बट प्रेगनेंसी टाइम पे हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमें आराम की ज़रूरत होती है, तो किसी भी काम के लिए आप हेल्प अगर ले सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। ऐसी वैक्सीन के लिए भी है, वैक्सीन अगर कोई और आपकी कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि स्किन इस टाइम पे सेंसिटिव होती है, तो जो भी आपका वैक्सीन कर रहे हैं वो थोड़ा सा ट्रेंड होने चाहिए, ताकि जब आप वैक्स करा रहे हैं तो आपको स्किन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप वैक्सीन पार्लर में करा रहे हैं, सैलून में करा रहे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी टाइम पे इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो और स्किन काफ़ी सेंसिटिव आपकी होती है, तो आपको ध्यान रखना है, पूरा साफ़ सफाई का पूरा हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। जो भी आपका वैक्सीन कर रहे हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी बारी क्या होता है कि जो ट्रेनिंग पे होते हैं लोग, वो कई बारी वैक्सीन वगैरह या कुछ भी काम अगर हम पार्लर में जाते हैं तो कर देते हैं, बट प्रेगनेंसी टाइम पे आप अपना ध्यान रखिए, जो भी ट्रेंड हैं उन्हीं से वैक्सीन करवाइए। और जो भी स्पैचुला वगैरह यूज़ होता है या जो वैक्स यूज़ होती है या जो भी प्रोडक्ट्स उस टाइम पर यूज़ हो रहे हैं, वो पहले से किसी और के साथ में यूज़ ना हुए हों, उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि पहले से कोई और कस्टमर या किसी के साथ अगर यूज़ हुआ है तो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और प्रेगनेंसी टाइम पे जो भी वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी होती है, वही वाला वैक्स आप करवाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। तो इन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी टाइम पे स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिए। अब जैसे वैक्सिंग भी आप करवा रहे हैं तो एक पहले छोटा से एरिया पे स्किन पे वैक्स परफॉर्म करा के देख लीजिए, फिर 10-15 मिनट वेट कीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल्स, तो एक पैच टेस्ट लेना सेफ रहता है, कि पूरी स्किन पे प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि आप एक पैच टेस्ट ले लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ आपके लिए सेफ है।
अच्छा, वैक्सिंग कराने के बाद भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान रखना है जब आपने वैक्स करवाया है तो उसके बाद में जो प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं लोशंस हो गए, बॉडी लोशंस, वो आप लोशन अप्लाई कर सकते हैं, या एलोवेरा जेल जेल जो भी प्रेगनेंसी के लिए सेफ हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि वैक्सिंग टाइम में कुछ कट वगैरह लग जाता है तो उस टाइम पे आप एंटीसेप्टिक क्रीम जो भी प्रेगनेंसी में सेफ होती है वो एंटीसेप्टिक क्रीम आप लगा सकते हैं। जब भी आपने वैक्सिंग करवाया है तो उस टाइम पे अवॉइड कीजिए सनलाइट में जाना, और उस टाइम पे अवॉइड कीजिए कुछ परफ्यूम या केमिकल वगैरह लगाना, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट बॉडी को देना इस टाइम पे ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कौन से टाइम पे वैक्सिंग आपको नहीं करवाना चाहिए? कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्ने का, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन का, काफ़ी ज़्यादा रैशेस का, कट्स वगैरह का, क्रैक्स का, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ लोग की बॉडीज में हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ में चल रहा है उस टाइम पे, प्लीज़ आप वैक्सिंग नहीं करवाइए, वो और ज़्यादा ख़राब कर देगा आपके स्किन की कंडीशन को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम पर किसी भी चीज़ को लेकर डाउटफुल मत रहिए। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आपके डॉक्टर होते हैं, आप जो आपकी फ्रिक्वेंट विजिट्स चल रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से एक लिस्ट बनाते रहिए। जैसे ऑलमोस्ट हर एक महीने पे आपकी विजिट होती है डॉक्टर के पास में, तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं एक लिस्ट बना के रखिए, वहाँ जाके आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, आपके डॉक्टर साहब आपको अच्छे से रिप्लाई करेंगे। क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है, एक डॉक्टर को बेटर वे में पता होता है कि आपकी बॉडी का इस टाइम पर क्या कंडीशंस है और आपके लिए क्या ठीक है। तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नाइट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।